आओ, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हैं, ये फिनोमिना किससे अराइज होता है? ये फिनोमिना भी है जो अराइज होता है एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन से। क्लियर? रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट कैसा था कि जैसे ये मेरे पास ये ग्लास की स्लैब है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मटीरियल है, एंटर कर रही है लाइट। अब लाइट क्या करेगी, अपना पाथ थोड़ा सा बेंड कर लेती है। क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज होने की वजह से। रेयर मतलब यहाँ पे एयर था और ये होगा डेंसर मीडियम। जब रेयर से डेंसर में लाइट जाती है, इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। मैं लिख देती हूँ, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जब लाइट जाएगी तो क्या होगा, इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल रे ये रे होती है। और जब डेंसर से रेयर की तरफ आएगी, जब लाइट हमारी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आएगी, तो क्या होगा, बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये दो बातें सिर्फ इसमें याद रखनी है आपको, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में भी और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में भी। अब कैसे हुआ कि जो स्टार्स होते हैं वो अपनी उनकी खुद की अपनी लाइट होती है, इसलिए वो शाइन करते हैं। अब हमने देखा है कि जब स्काई थोड़ा क्लियर होता है, ज़्यादा क्लियर होता है, तो हमें ट्विंकल करते हुए स्टार्स ज़्यादा अच्छे से दिखाई देते हैं। ठीक है, ये ट्विंकलिंग ऑफ जो इफेक्ट है स्टार्स का, वो किस कहाँ से आता है? ये आता है जब स्टार लाइट हमारे पास कभी ब्राइट और कभी डिम पहुँचती है, तो हम कह देते हैं कि जो स्टार्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ट्विंकल कर रहे हैं। क्लियर? सबसे पहले ये स्टार वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फिनोमिना है ये बेस्ड किस पे है? ये है एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, ये जो पेंसिल से मैंने अभी पॉइंट लिखे, ये आपको अपने माइंड में रखने हैं। ठीक है, या बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा के रखना है कि क्या होगा जब लाइट रेयर से डेंसर में और डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी। अब यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट होता है। जिन बच्चों में को थोड़ा सा टेक्स्ट को रीड करने में प्रॉब्लम आती है, वो मेरी वीडियो को यहाँ पर पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपको जो है इस वजह से आप याद रखेंगे तो आपको याद ईजिली रहेगा। क्या होगा, जो लाइट होती है ना, जब ये एंटर करती है एटमोसफेयर में, तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। अब रिफ्रैक्शन कब होता है, आपने ऊपर भी देखा, रिफ्रैक्शन तब होता है जब मीडियम में चेंजेस आते हैं। मीडियम थोड़ा सा लेस डेंस और डेंस होगा। अगर एक जैसा मीडियम होगा तो फिर उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो लाइट जब एंटर करती है, लाइट जब है एंटर करती है एटमॉस्फेयर पे, तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो डेंसिटीज़ वेरी कर रही हैं दोनों मीडियम की, देन जो एटमॉस्फेयर है हमारा स्टेशनरी नहीं है। क्लियर, कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर। अब देखिए एटमॉस्फेयर क्या होता है, लेयर्स ऑफ गैसेस। अब गैसेस जो है, गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं, तो वो एक जगह कॉन्स्टेंट तो होते नहीं है। तो इस तरह से जो है पैटर्न बन जाता है, लेयर ऑफ गैसेस बन जाते हैं। कहीं पे गैसेस लेस डेंस हो जाती हैं और कहीं पे मोर डेंस हो जाती हैं। तो ये किसकी तरह बिहेव करती हैं, ये रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करते रहते हैं, रेयर डेंसर। और जब लाइट इन पे पड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइट आ रही है स्टार लाइट, तो क्या होगा, ये मीडियम की तरह एक्ट करेगा, ग्लास प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा। अब क्या होगा, लाइट फिर थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, रिफ्रैक्शन हो जाएगी, और जैसे वो नेक्स्ट लेयर में एंटर करेगी लाइट, फिर यहाँ पे थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस जो है वो कॉन्टिन्यू चलता रहता है, और यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसको जो स्टार लाइट जो आती है वो फ्लक्चुएट करती दिखाई देती है, और जिसकी वजह से कभी कभी उसके पास जो लाइट की इंटेंसिटी है वो ब्राइट आती है, और कभी कभी जो लाइट की इंटेंसिटी है वो लेस ब्राइट आती है, डिम आती है। तो इसीलिए हमें लगता है कि जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल कर रहे हैं। आई होप इट क्लियर्स। थैंक यू सो मच।